बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो ये है आज का मौसम और दो तीन दिन से बारिश नहीं हुई है और ये है राजेंद्र नगर और आज भी बहुत खुली खुली रोड्स हैं। और हम ये बढ़ते हैं आगे और हम यहाँ से एक लेफ़्ट टर्न लेंगे इस बार और देखेंगे उस साइट पर जो मैंने आपको बताया था, पानी का फ़्लो। ये कोई इंस्टीट्यूट है, ये यूनिवर्सिटी आई थिंक। तो पानी का फ़्लो जहाँ से जाता है वो थोड़ा हम कवर करने की आज कोशिश करेंगे। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। आप सबके पास बारिश कैसी है मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए कमेंट बॉक्स में। एंड और अगर आप नए हो चैनल पर तो काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही पीस दिख रहा है यहाँ पर, बिल्कुल कम गाड़ियाँ। एंड तो खैर ये है हैदराबाद का माहौल इस वक्त का। और यहाँ भी कोई ख़ास रश नहीं था, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ कुछ नए मकान हैं, कुछ थोड़े पुराने मकान हैं एंड बट थोड़ा सा यहाँ डेवलपमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा कचरा फैले हुआ, गंदगी ये काफ़ी मिल दिख रही है मुझे यहाँ पर। देखिए अब आप, बहुत ही ज़रूरी काम है इन्हें और ये लोग आके ठहर चुके हैं रास्ता रोककर। कैन यू इमेजिन, भैंस ने रास्ता रोक दिया है और ये बहुत ऊंचाई पर बनाया है इन लोगों ने और मैं समझती हूँ कार तो इस पर से नहीं जा सकेगी। आई डाउट, बहुत ऊंचा और एकदम खड़ी चढ़ाई के साथ बनाया है। ये देखिए आप, ये भैंस ने तो रास्ता ही रोक रखा है। चले जी, चले आगे, हमें जाने दें।
हटे यहाँ से। पता नहीं इनका मालिक कौन है और कहाँ पर है, इस तरीके से इनको छोड़कर जा चुका है। और ये कितना आराम से ये लोग फिर रहे ना, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है किसी से, चाहे क्यों ना ट्रैफिक हो जाए, आराम से करेंगे ये अपना काम। पूरी ट्रैफिक जाम करवा दी है इन लोगों ने। दोनों साइड पर तो खैर चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो ही रहा है और कुछ घर बन रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले दो व्लॉग्स में बताया है कि ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, ये उसका एक एग्ज़ाम्पल है। देखिए बड़े बड़े पहाड़ को ये लोग तोड़कर, वो भी पहाड़ हट जाएंगे फ्यूचर में मुझे पता है, और पूरा डेवलप कर दे रहे हैं ये एरिया। पर ग्रीनरी को तो हटाना नहीं चाहिए था। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसी ही ग्रिल वहां पर भी लगी हुई थी, याद है आपको, हमने देखा था 2 दिन पहले। मैंने बताया था आपको जहाँ से वो लोग पानी छोड़ते हैं ना, जो ओवरफ्लो होता है, ये है वो पानी। यहाँ से वो आता है और फिर इस तरफ को चला जाता है। ये है देखिए आप, सादा नहीं है पानी, कम है क्योंकि बारिश रुकी हुई है तो पानी भी कम ही कम हो ही जाता है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर भी लोग रुक कर देख रहे हैं पानी को। आपको कैसे लग रहे हैं मेरे ये ट्रैवल व्लॉग्स, काइंडली मुझे कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा ज़रूर। एंड मेरे कुकिंग व्लॉग्स भी देखिए आप, और क्रॉकरी है, कुकिंग है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब हम यू टर्न ले लेंगे यहाँ से, और ये साइड से भी देखिए आप पानी। यहाँ से पानी निकल जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा वो, और फिर वो मिल जाएगा समंदर में। एनीवेज चलिए आप एंजॉय कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ। और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, मुझे अपने दुआ में ज़रूर शामिल कीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Say